श्रोताओं आज की पहेली पूछिए श्रीमान वीरेंद्र दिल्ली से हैं। इनकी पहेली इस प्रकार है, एक कोई नारी बतलाए पर पुरुष संग नग्न हो जाए, बिन व्याये मात्र कहलाए। श्रोताओं आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और हमारे सुंदर सुंदर ज्ञानात्मक वीडियो का आनंद लें। तो आइए श्रोताओं, अब हम श्रीमान वीरेंद्र जी जो कि दिल्ली निवासी हैं, की पहेली का जवाब प्रस्तुत करते हैं। एक कोई नारी बतलाए पर पुरुष संग नग्न हो जाए, बिन ब्याहे मात्र कहलाए। तो श्रोताओं प्रसंग उस समय का है जब ऋषि विश्वामित्र मित्र जी जो थे घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से इंद्रदेव भी घबरा गए, इसलिए इंद्रदेव ने सोचा पता नहीं ऋषि विश्वामित्र जी कैसी तपस्या कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक मैन का नाम की अप्सरा को भेजा और वह अप्सरा आई और ऋषि विश्वामित्र के पास अपना नाच गान दिखाने लगी। ऋषि विश्वामित्र ने उस मैन का नाम की अप्सरा को देखा, अप्सरा ने ऋषि विश्वामित्र को देखा। वो तो उसका तप भंग करना चाहती ही थी, इसलिए मुनि उस पर मोहित हो गया और मुनि मोहित हो गया तो वह मुनि के साथ रही। और जब मुनि के साथ कुछ दिन तक रही उनकी तपस्या भंग करने के लिए, तो मेनका के एक गर्भ ठहर गया। श्रोताओं उस गर्भ से एक कन्या पैदा हुई, उस कन्या का नाम शकुंतला था। शकुंतला नाम की वह कन्या बहुत अधिक सुंदर थी। श्रोताओं अब जो मेनका नाम की अप्सरा थी उसने उस कन्या को ऋषि कण्व के आश्रम के पास छोड़ दिया था। जैसे ही ऋषि कण्व बाहर निकले और उन्होंने कन्या की आवाज सुनी तो ऋषि कण्व उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। अब वह कन्या जो शकुंतला थी वह मेनका की जो अप्सरा थी उसकी पुत्री थी। अप्सरा तो सुंदर ही होती है, इसलिए शकुंतला भी बहुत अधिक सुंदर थी। शकुंतला धीरे धीरे जवान होने लगी और जैसे ही वह जवान हुई तो ऋषि कण्व एक तीर्थ में स्नान करने के लिए गए हुए थे और आश्रम के लोगों से कह गए थे कि मैं अभी कुछ दिनों बाद लौटूंगा। इधर उसी बीच एक राजा थे दुष्यंत। दुष्यंत जी शिकार खेलते खेलते वन में भटक गए और ऋषि कण्व के आश्रम पर जाकर पहुंच गए। जैसे ही ऋषि कण्व के आश्रम पर पहुंचे तो उन्होंने शकुंतला को देखा। शकुंतला की जवानी बड़ी मदमस्त थी, इसलिए दुष्यंत ने शकुंतला की तरफ देखा और शकुंतला की सुंदरता पर मोहित हो गए। उधर शकुंतला ने दुष्यंत को देखा तो दुष्यंत भी कम सुंदर नहीं था। नैनाचार हुए, नैनों से नैन मिले, दोनों एक दूसरे पर मोहित हुए और दोनों के बीच संगम हुआ। संगम होने के बाद राजा दुष्यंत बोला, मैं तुम्हें लिवा के ले जाऊंगा और अभी हाल फिलहाल तो मैं जा रहा हूं और ये पहचान सूचक अंगूठी भी आप ही रखो। तो श्रोताओं वो अंगूठी देकर के और जो राजा था वहां से चला गया। श्रोताओं उसी समय शकुंतला उसके जो राजा था उसके लिए होश खो बैठी और अब तो शकुंतला पर कोई काम नहीं था, केवल वह राजा के ही बारे में सोचती थी। उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां आए और दुर्वासा ने कई बार शकुंतला को पुकारा लेकिन शकुंतला ने कुछ नहीं सुना।
दुर्वासा ऋषि समझ गए, अरे ये तो अपने पति के लिए होश खो बैठी है। तो उसको श्राप दे दिया कि जाओ, जिसके साथ आपने समागम किया है वह आपको भूल जाएगा। श्रोता हुआ ऐसा ही। अब श्राप के कारण दुष्यंत भूल गया कि मैंने जो पत्नी बनाया था, मैंने जिसके साथ समागम किया था, वह लड़की कौन है। तो वह शकुंतला को भूल गया। श्रोताओं, ऋषि कण्व वहां आ गए। ऋषि कण्व ने सब कुछ जान लिया। तो ऋषि कण्व ने ये भी देख लिया कि इसको श्राप भी लगा है, इसलिए उससे कहा कि आप इस अंगूठी को संभाल के रखना, और राजा नहीं पहचाने तो आप इस अंगूठी को दिखा देना, तब वो पहचान जाएगा। श्रोताओं, उस श्राप को कम करवाने के लिए उसकी सहेलियों ने दुर्वासा से निवेदन किया था कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि राजा पहचान ले। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि उसकी दी हुई कोई पहचान सूचक कोई चिन्ह हो, उसको देखने पर राजा को याद आ जाएगा। श्रोताओं, जब राजा नहीं आया तो स्वयं शकुंतला सखियों के साथ राजा दुष्यंत की राजधानी में पहुंची और राजा दुष्यंत से कहने लगी, मैं आपकी पत्नी हूँ। लेकिन इससे पहले वो एक तीर्थ में रुके थे, सची तीर्थ में, जहाँ शकुंतला की अंगूठी गिर गई थी। अब श्रोताओं, शकुंतला राजा दुष्यंत से कहे कि मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन दुष्यंत पहचान ही नहीं पाए क्योंकि वो श्राप का प्रभाव था। श्रोताओं, अब शकुंतला ने जैसे ही उंगली दिखाई कि अंगूठी पहचानो किसकी है, तो हाथ में अंगूठी नहीं थी। अब शकुंतला के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह वापस आई और रोने लगी। तो उसकी माता मेनका उसको ले गई और कश्यप ऋषि के आश्रम में जाकर के उसको छोड़ दिया। वहां शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। श्रोताओं, वह पुत्र और कोई नहीं बल्कि सर्वदमन था, जो आगे चल के भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो श्रोताओं, अब वह जो शकुंतला थी, वह समागम के ही साथ में माता बन गई। तो श्रीमान जी, पहले मैं आपकी पहेली का जवाब दे दूं। आपकी पहेली एक तो यही लगती है कि एक कोई नारी बतलाएं पर पुरुष संग नग्न हो जाएं, बिन ब्याहे मात्र कहलाएं। तो वो नारी शकुंतला थी जो परपुरुष यानी दुष्यंत के साथ नग्न हो गई और समागम किया, और बिना ब्याही वो माता बन गई थी। तो श्रोताओं, अब जो शकुंतला थी वो माता बन गई और कश्यप ऋषि के आश्रम में रहने लगी, और उसके वो सर्वदमन नामक पुत्र भी हो गया। एक दिन राजा इसी प्रकार से जाता है और तभी इंद्रदेव आ जाते हैं और राजा को लिवाने के लिए एक दूत को भेजते हैं कि देवासुर संग्राम में वो उनकी सहायता करे। तो राजा देवासुर संग्राम से लौट रहा था, रास्ते में कश्यप ऋषि का आश्रम पड़ा। तो उसने उस बालक को देखा तो उसके हाथ में एक औषधि थी अपराजिता नाम की, और उसको केवल माँ बाप के अलावा और कोई नहीं बांध सकता था। इसलिए जैसे ही वो टूट के गिरी तो राजा दुष्यंत ने उस औषधि को बांध दिया। इससे सबके जो शक था वो हो गया कि इसके पिताजी यही हैं। श्रोताओं, जैसे ही शकुंतला ने देखा तो शकुंतला उसको पहचान गई और राजा दुष्यंत भी शकुंतला को पहचान गया। इस प्रकार से वो घर गए। तो श्रीमान जी, आपकी पहेली शकुंतला पर लगती है। एक कोई नारी बतलाए पर पुरुष संग नग्न हो जाए, बिन ब्याहे मात्र कहलाए। तो वो और कोई नहीं बल्कि शकुंतला थी, जिसने राजा दुष्यंत के साथ समागम किया था और उसके पुत्र भी हुआ था और वो माता भी कहलाई थी। श्रोताओं, दूसरा उदाहरण हम
एक और प्रस्तुत कर दें। दूसरा उदाहरण यदि हम लेना चाहें तो हम कुंती का ले सकते हैं, क्योंकि कुंती ने बचपन में दुर्वासा ऋषि की बहुत अधिक सेवा शुश्रूषा की थी। तो दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दिया था और कहा था, आप जब भी इस मंत्र का उच्चारण करके जिस भी देवता का आह्वान करोगे, वह देवता तुरंत उपस्थित हो जाएगा और आपको पुत्र प्राप्ति होगी। अब कुंती ने समझा, पता नहीं इस ऋषि का मंत्र झूठा है, इसलिए क्यों ना इसका एक बार उपयोग कर लिया जाए। तो जैसे ही कुंती ने उस मंत्र का उच्चारण किया तो सूर्यदेव आ गए। अब वह सूर्यदेव से घबराने लगी और कहने लगी कि सूर्यदेव, अभी तो मैं कुंवारी हूँ, लेकिन मंत्र का प्रभाव था इसलिए सूर्यदेव ने कुंती के साथ समागम किया और उससे कर्ण पैदा हुआ था जिसको उसने नदी में बहा दिया था। तो श्रोताओं, हम दूसरा उदाहरण कुंती का भी पेश कर सकते हैं। तो श्रीमान जी वीरेंद्र जी, आप दिल्ली से हैं तो आपकी पहेली का जवाब लग चुका है। इसी के साथ जय हिंद।